एक दफा एक दंपति को एक बच्चा पैदा हुआ। हाँ जी, एक बच्चा पैदा हुआ और बच्चा पैदा होने के बाद पेरेंट्स जब देखते हैं तो बोलते हैं, भैया मेरा बेटा कंप्यूटर साइंस इंजीनियर बनेगा। हाँ जी, कंप्यूटर साइंस इंजीनियर बनेगा। आजकल कंप्यूटर साइंस बहुत ट्रेंड में चल रहा है भैया। गाँव के अंदर भी जो महिलाएं जानती नहीं है कि भैया इंजीनियरिंग क्या होता है, वो भी आके बोलती, भैया अब मेरे बच्चे को कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करनी है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग दिलाओ, इंजीनियर बनेगा भैया, कंप्यूटर साइंस इंजीनियर बनेगा। अब क्या हो गया ये कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग? हाँ जी, अब क्या हो गया? वैसे वैसे तो आजकल कॉलेजों में एडमिशन दिलाने के लिए बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां आ चुकी है। अरे वो कंपनियां अब जो कि आपको लल्लू लाल कॉलेज में एडमिशन दिलाने के लिए तैयार हो रही है, आईआईटी में एडमिशन दिलाती है, एनआईटी में एडमिशन दिलाती है, उन कंपनियों की वैल्यूएशन हो चुकी है करोड़ों रुपए के अंदर, हजारों करोड़ों रुपए की। अब लेकिन एक विडंबना आज देश की, हमारे देश के अंदर आज एक एवरेज इंजीनियर की अब सैलरी पता आपको कितनी है? अब नहीं पता। गांजी, एक एवरेज इंजीनियरिंग कॉलेज की फीस है 8 लाख रुपए, अब सुपर कॉलेज की फीस है 25 लाख रुपए। लेकिन आज एक एवरेज इंजीनियर को तो जो भी नहीं मिल पा रही है, और एवरेज जो सैलरी मिल पा रही है जो 7% इंजीनियर्स है वो है 15,000 रुपए। हाँ जी, 15,000 रुपए एक इंजीनियर को सैलरी मिल पा रही है, एंड वो भी 93% इंजीनियर्स तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करके बेकार बैठे हैं, उनको जॉब नहीं मिल रही है, नौकरी मिल नहीं रही है। इसका कारण ये नहीं है कि उनको जॉब आता नहीं भैया। हाँ जी, जॉब है नहीं है उनको, आता तो नहीं है वैसे, जॉब नहीं है, कंपनियां रिक्रूट नहीं कर रही। एक दफा आपको मैं कहानी बताता हूँ। अब मेरे को अपना वेबसाइट बनाना था। हाँ जी, मेरे को अपना वेबसाइट बनाना था। मैंने बहुत सारे इंजीनियर उठाए, मैंने पोर्टल पे डाला कि मेरे को ये वेबसाइट बनाने वाला इंजीनियर चाहिए। अब बहुत सारे कॉलेजों से बच्चों ने अप्लाई किया, एनआईटी से, प्राइवेट कॉलेजों से, सेंट्रल यूनिवर्सिटियों से, लल्लू लाल कॉलेज से। अब लेकिन वो लोग क्या हुआ, वो लोग वेबसाइट बना ही नहीं पाए। हाँ जी, वो बना ही नहीं पा रहे। अब एक एक महीना दिया मैंने, ऑलमोस्ट 50 लोगों को एक एक महीना दिया कि तुमको जो है AWS सर्वर का यूज करके एक वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म बनाना है, जहां से मैं बच्चों को वीडियो स्ट्रीम कर सकूं और लाइव पे वीडियो डालने वाला हूं। वो लोग तो बना ही नहीं पाए भैया, लॉगिन ऑप्शन करके आज छोड़ के चले गए, भैया हमको तो नहीं सिखाया, हमको तो नहीं आता है। देखो, जो प्राइवेट कॉलेज वाला नहीं है, ये जानता है कि भाई ये जो है, ये जो आ रहे हैं लोग, ये मैकेनिकल में नहीं लेगा, ये इलेक्ट्रिकल में नहीं लेगा, ये और इंजीनियरिंग में नहीं लेगा, ये लेगा तो सिर्फ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में। क्या करूं मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का? अब तो बहुत सारे कॉलेज वालों ने दिमाग लगाया, भाई अच्छा कंप्यूटर साइंस में लेगा, ठीक है ऐसा करो कॉलेज में अब ये मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, जितनी भी इंजीनियरिंग है सबकी सीटें आदि कर दो। कंप्यूटर साइंस की कितनी थी हमारे पास, 60 सीटें थी, अब कोई बात नहीं 200 कर दो उसकी, 300 कर दो उसकी, उसकी 400 कर दो, और जो कम बिक रही है सीटें उसको कम कर दो, उसको उसकी सीटें घटा दो, कंप्यूटर साइंस में बढ़ा दो। हाँ जी, कंप्यूटर साइंस में बढ़ा दो। अब इससे क्या हुआ ना, इससे एक तो प्रोफेसर को बिल्कुल ट्रेंड नहीं किया गया। हाँ जी, प्रोफेसर को बिल्कुल ट्रेंड नहीं कर रहे। हमारे देश में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है पता आपको? सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारा प्रोफेसर। अब देखो, प्रोफेसर को क्या करेंगे, अब ये ट्रेनिंग एक्टिविटी प्रमोशन ले वर्क, अब एंड आपको जो है ये जो भी ट्रिप है एंड क्लास असाइनमेंट, अटेंडेंस, एनवायरमेंट, बच्चों का खेलकूद, सारा का सारा सब कुछ प्रोफेसर को ही करना है। हाँ जी, प्रोफेसर को ही करना है और कोई कुछ नहीं देखेगा, सारा काम प्रोफेसर करेगा, अटेंडेंस भी प्रोफेसर लगाएगा, पढ़ाएगा भी प्रोफेसर, अनाउंसमेंट भी प्रोफेसर ही करेगा। अब एक सुबह 9 बजे आने वाला प्रोफेसर जिसकी 7 बजे छुट्टी करते हैं, पूरे दिन लगा के रखते हैं उसको काम पे। हाँ जी, इनफैक्ट बहुत सारे प्रोफेसर को तो बैठने तक का टाइम नहीं मिलता। हाँ जी भैया, आज ये सिग्नेचर करा के लाओ, ये अप्रूवल लो, इन बच्चों का प्लेसमेंट कराओ, उनके लिए ट्रेनिंग, इनके लिए इंटर्नशिप ढूंढो। अब जो प्रोफेसर क्या होता है, वो कुछ सीख ही नहीं पाता। हाँ जी, वो कुछ सीख ही नहीं पाता, वो खुद इतनी ज्यादा एंट्रेंस एग्जाम देके आता है पहले, उसने जो अपने कॉलेज में सीखा था अब वो खुद भूल जाता है, बस वो रटा किताबें पढ़ के आता है, 1-2 घंटे टाइम अगर मिलता है तो वो पढ़ता है, वो आके पढ़ाता है आपको। हाँ जी, कौन गड़बड़ कर रहा है? वैसे प्रोफेसर किस
इसमें क्या गलती है? अब पूरे दिन लगा रहता है, सुबह 9 बजे आया, शाम को 7 बजे वापस घर। अब अगर मीटिंग चल रही है तो भैया 9 बजे रात को 9 बजे वापस घर जाओगे आप, और आपको अगर ये तक काम नहीं किया कोई बात नहीं, बहुत बेरोजगार प्रोफेसर बैठे हैं, अब दूसरा प्रोफेसर ले आएंगे। हाँ जी, दूसरा प्रोफेसर ले आएंगे। ये प्राइवेट कॉलेजों में तो था ही, आजकल तो गवर्नमेंट कॉलेज वालों ने क्या किया, अब लेक्चर बेसिस वाले प्रोफेसर ले आए। भैया इतना काम नहीं किया, लेक्चर लगेगा नहीं, तुम्हारा पैसा काट लूंगा। हाँ जी, पैसा काट लूंगा मैं। अब ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, इससे आपको क्या इफेक्ट पड़ रहा है? अब जो आप जो जाते हैं भैया कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करने जा रहे हैं, उनको सिर्फ एक डिग्री दे दी जा रही है, ये ले भैया पकड़, ये ले डिग्री, ये जावा पाइथन, हाँ जी, अब ये नोड जीएस, रिएक्ट जीएस, क्या होता है ये डियोलिंगो, ये बूटस्ट्रैप, ये बूटस्ट्रैप क्या क्या होता है ये हमारे देश के इंजीनियर को तो पता ही नहीं है कि भैया ऐसी कोई लैंग्वेज ही होती है। अच्छा, मेरे को पाइथन आती है, मेरे को C++ आती है, अच्छा ये मेरे को आती है, मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हूँ। भैया वेब डेवलपमेंट, ये आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वेब डिजाइनिंग, UI/UX डिजाइनिंग कर लेता हूँ मैं इंजीनियर बन गया। आज देश के अंदर इतनी ज्यादा AI टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, कोडर्स इतने ज्यादा चाहिए, अब लेकिन कोडर्स को कुछ आ ही नहीं रहा है तो कंपनियां करें क्या? हाँ जी, एक सिंपल वेबसाइट जहाँ पे हमको वीडियो स्ट्रीम कराना है, वो हमारे NIT के बच्चे नहीं कर पा रहे आज। हाँ जी, NIT के बच्चों के मैंने बहुत ज्यादा इंटरव्यूज लिए लेकिन वो कर ही नहीं पा रहे, वो एक सिंपल वेबसाइट तक नहीं बना पा रहे। अब तो आप क्या एक्सेप्ट कर सकते हो? हाँ जी, जब NIT के बच्चे नहीं बना पा रहे, जब प्राइवेट कॉलेज के अंदर कितने फीस देते हैं आज एक बच्चा? हाँ जी, अब एक एवरेज कॉलेज की फीस है 8 लाख रुपए है, 8 लाख रुपए एवरेज कॉलेज की फीस है। जो सुपर टॉप मॉडल कॉलेज है उसकी फीस पड़ती है 20 से 25 लाख रुपए, और जो एक गवर्नमेंट वाले कॉलेज है इनकी फीस है 7 से 8 लाख रुपए। ना इनमें कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना प्रोफेसर, ना टीचर, ना इनोवेशन, ना रिसर्च, ना लैब है, तो सिर्फ और सिर्फ डिग्री जो कि आपको पढ़ाया जाएगा। भैया पढ़ 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 तू पढ़, सेमेस्टर में मार्क्स नहीं आए कंपनी उठाएगी नहीं तेरे को, और वो कंपनी आपको लेकर जाती है अब टेली कॉलर के लिए, पहले लेकर जाती थी लेकिन अब तो वो भी जो है अब आपका सुपर रोबोट जॉब खा गया। अब खाली की घटना बता दूं, कल पर से मेरे को कॉल आता है एक यूनिवर्सिटी से, हेलो कमल, मैं इस यूनिवर्सिटी से सुपर रोबोट बात कर रही हूं, क्या आप एडमिशन लेना चाहते हैं, क्या आपसे बात करने के लिए सही समय है? मैंने कहा नहीं, बोलती है ठीक है कोई बात नहीं, मैं आपको बाद में कॉल करती हूं। हां जी, बाद में कॉल करती हूं। हमारे राजस्थान में बहुत सारे रोबोट अब आज काम कर रहे हैं। हां जी, होटलों के अंदर पहले वेटर बहुत काम किया करते थे, हाँ जी भैया नौकर चाकर रोबोट बहुत काम करते थे, अब लेकिन आजकल तो जो है डाइनिंग टेबल पे पटरियां बिछा दी है और ट्रेन जो है डायरेक्टली खाना लेकर आ रही है। बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप आ गए हैं जो कि अब बहुत सारे जो कुक्स की जॉब खा चुके हैं, रोबोट ही खाना बना रहा है डायरेक्टली, और सारा का सारा रेस्टोरेंट इंडस्ट्री ऑटोमेट हो चुका है। ये बैंक टेलीकॉलर, ये हमारे कलरक भैया, बैंक BPO, ये सारी की सारी जॉब्स ऑटोमेशन लगातार होती जा रही है, स्किल की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप अगर डंडूलाल कॉलेज में जा रहे हो, बात सच में बर्बाद करेगा वो। हाँ जी, सच में बर्बाद करेगा आपको। वैसे हम करें क्या? हाँ जी, क्या करें? वैसे तुमको एडमिशन लेना कहाँ पे चाहिए? हाँ जी भैया, इंडिया का सिलिकॉन वैली बेंगलोर में कैसे जाए? टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट, इंटर्नशिप, ट्रेनिंग कहाँ पे मिलेगा? वैसे बहुत सारी अच्छी अच्छी लोकेशन है, बेंगलोर, दिल्ली, गुड़गांव, हैदराबाद, नोएडा, मुंबई, अब कैसे जाए भैया उनके लिए क्या बेस्ट ऑप्शन है? डोंट वरी, अब कॉलेज जानकारी वेबसाइट पे आप विजिट कर सकते हो, जहाँ पे दुनिया का सबसे बेस्ट काउंसलिंग अफोर्डेबल प्रोग्राम अब रिगार्डिंग द इंजीनियरिंग आपको मिल जाएगा। पूरे 5 साल की मेहनत करके आप लोगों के लिए प्रोग्राम मिलाया है, जरूर से जाके आप लोग वहां पे जाके इनरोल कर सकते हो।